नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इसरो यूआरसी का जो अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट आया है उसका मैं आज फॉर्म भर के बताऊंगा आपको। बड़ा ही इजी फॉर्म है, आपको नेट कैफे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। बाकी बची पेमेंट की बात, तो पेमेंट भी बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म किस प्रकार भरना है, इसरो का भी जो आई है, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूआरओ सैटेलाइट सेंटर से ये वैकेंसी आई। कितनी आई? 182 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। यहाँ पर लोकेशन है बेंगलुरु कर्नाटक। 10वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी यहां पर एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा डिग्री करी है। आज मैं फिटर ट्रेड से भर के बताऊंगा, मतलब जो हमारे आईटीआई कैंडिडेट हैं उनका मैं आज में फॉर्म भर के बताऊंगा। एज भी आप देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष रखी गई है। और एसटी एससी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ पर लिखा है निल। और ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हमारे 250 रुपये यहाँ पर पे करेंगे। और जो अब मैं डेट की बात कर लेता हूँ, तो 15/2/2020 से ये स्टार्ट हुई, मतलब कल से, और 6/3/2020 इसकी लास्ट डेट है, मतलब 6 मार्च। तो चलिए मैं आपको किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। बड़ा ही आसान फॉर्म है, आपको नेट कैफे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस आपके जो मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल जिससे अभी आप वीडियो देख रहे हैं उससे भी आप आसानी से भर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप मेरी ऑफिशियल साइट जो टेक्निकल एमसीक्यू की है वो उस पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे आ जाएंगे देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे यहां पर जो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहां पर आपको क्लिक करना है। ये जो लिंक दिए ना, यहां पर आप क्लिक करें। अब देखो मैं करके बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, बड़े ही आसानी शब्दों में आपको यहां पर मैं फॉर्म फिल करके बताऊंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि आप इस पेज पर आ जाएंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। अब आपको नीचे आना है। आप जैसे ही नीचे आते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं भरूंगा फिटर का फॉर्म, तो मैं फिटर पर क्लिक कर लेता हूं आपके सामने। ये मैंने फिटर पर क्लिक करा तो ये आपके सामने जो पूरा फॉर्म है वो खुल चुका है। बड़ा ही आसान फॉर्म है, मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताऊंगा किस प्रकार को आपको पूरा फॉर्म भरना है। 4 स्टेप में आपका पूरा फॉर्म है। तो पहले आपको क्या भरना है, आप देख लीजिए ध्यान से, फुल नेम आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फुल नेम आएगा। सबसे पहले इस कॉलम में आएगा फुल नेम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है आपको, इसके बाद री एंटर करना है ईमेल आईडी को, आपको आपका जेंडर कैटेगरी, और नीचे मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है। डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको नो कर देना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप अगर हैं तो यस करें वरना नो कर दें। आप अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो यस करें वरना नो कर दें। वेदर वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैव मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास सर्विस का, तो आपको यस करना वरना नो कर दें। यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम डालना है इस कॉलम में। एड्रेस फिल करना आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, आपको यहाँ पर स्टेट फिल करना है। पिन कोड यहाँ पर डालना, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर एक और ऑप्शनल है आपको डालना। दूसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, अगर यहाँ पर डीए मिलता है आपको तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पर। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालना है, मंथ डालना है आपका, पासिंग ईयर डालना है, मार्क कितने आए आपके, कितने में से कौन से डिवीज़न में आप पास हुए, ड्यूरेशन कितने ईयर का आपका कोर्स था, एनटीसी था का आईटीआई था, ये डालना है आपको। बोर्ड डालना है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, यही डालना है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है एनएससी वगैरह अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इस कॉलम में आपको अप्रेंटिस की डिटेल डालना है। और यहाँ पर आपको अपना जो फोटोग्राफ है वो 50 KB में आपको डालना है, मिनिमम मैक्सिमम 50 KB होना, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका कलर फोटोग्राफ होगा वो भी रिसेंट का, मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं एक बार पूरा फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी जो डिटेल है वो फिल कर ली है, आपको भी ऐसे ही करना है जो मैंने जिस प्रकार करी है अपनी डिटेल फिल। अब मैं आपको बता दूँ, आपको एक चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है क्वालिफाइंग एग्जाम पर। तो आपको जैसे आईटीआई से भर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है, एनटीसी इन फिटर ट्रेड। अगर एनईसी से भरना है तो एनईसी इन फिटर ट्रेड। अगर दोनों से भरना है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। मेरे को आईटीआई से भरना था तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, और उसके बाद जो आपके आईटीआई की डिटेल वो यहाँ फिल करना। अब आप आ जाइए इस सबसे बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपको क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, नेम ऑफ द बोर्ड इंस्टीट्यूशन एज गिवन इन द मार्क कार्ड सर्टिफिकेट। मतलब जो आपके मार्कशीट पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा या बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर आपको एनसीवीटी फिल नहीं करना है, आपको जो बोर्ड का नाम है, जैसा कि यहाँ पर सिटियों से आ रहा है, एक सेकेंड ये रहा,
तो आपको क्या करना है, जैसे मेरी मार्कशीट में मध्य प्रदेश लिखा था तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको जो आपकी मार्कशीट पे लिखा है बोर्ड वही डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने अपनी जो है फोटो भी अपलोड कर दी है रिसेंट की। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सेकेंड अब रुकना पड़ेगा हमें, ये हो रहा है पेज रिफ्रेश, ये हो गया। अब मुझे इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वो पूछ रहा है, यहाँ पर आपको एक नंबर और डालना, ऑप्शनल में मैंने नहीं डाला था, इसलिए मैं आपको इसलिए फिल करके बता रहा हूँ ये सब डिटेल, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब मैं डाल रहा हूँ मेरा दूसरा जो नंबर है वो डाल लेता हूँ, क्या है ये डबल ये जीरो ए, ना ये मैंने अपना जो दूसरा नंबर वो भी डाल दिया। अब मैं क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर है ये क्लिक कर दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब मुझसे बोल रहा है कि आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लेता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरा ये रहा डे कौन सा था, ये रहा 30 और ईयर कौन सा था 1996। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, मैट्रिकुलेशन मतलब टेंथ की यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। एक बार मैं फिल कर लेता हूँ उसके बाद फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपनी जो टेंथ की जो हमारी जानकारी थी फिल कर ली है। अब आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्रीवियस स्टेप, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपको प्रीवियस स्टेज पर जाना, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप यहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। आपके नीचे पूरी जानकारी आ जाएगी किस प्रकार आपने भरा है, ये पूरी जानकारी नीचे है। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेता हूँ, मैंने ये यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लिया। तो फ्रेंड्स अब ये मेरे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको नीचे आना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपसे कुछ आपको अभी भी फॉर्म में एडिट करना है तो यहाँ से आप प्रीवियस स्टेप पर जा सकते हैं, वरना आपको ये सबमिट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो मैं सिंपली सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स मैंने सबमिट कर लिया है अपना फॉर्म। अब मेरे पास जो है वो ये आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ चुका है, थैंक यू योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, स्टेप फोर भी क्लियर हो चुकी है। अब आपके सामने जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है इसको आपको सेव करना है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइज नंबर मिल जाएगा, कितनी पोस्ट है आपकी, जैसे फिटर की दो पोस्ट है तो यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अब आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको यहाँ से कॉपी कर लें आप, जैसे कि मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी आपको प्रिंट निकालना है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया है। अब मैं चलता हूँ आपको लेके प्रिंट पर, कैसे आपको प्रिंट निकालना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट से बैक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जो कि शुरू का पेज था जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब आपको सबसे नीचे आना है एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप पाएंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं नीचे आ रहा हूँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स रुकना आप, ये देखिए फ्रेंड्स नीचे दिया है ये यहां पर प्रिंट करने, प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर लिखा है प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। और जो जिनको पेमेंट करना है पेमेंट स्टेटस यहां से देख सकते हो, पेमेंट यहां से कर सकते हैं जो हमारे यूआर और ओबीसी वाले कैंडिडेट है, तो मैं उसको भी बताता हूं आपको, एक सेकेंड रुकना आप। पहले मैं आपको जो प्रिंट किस प्रकार निकला है, आपको जैसे कि हमारी टेक्नीशियन बी था तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा पोस्ट नंबर, तो आपको यहाँ पर टेक्नीशियन बी फिटर जो है आपकी, जैसे मैंने फिटर से फॉर्म अप्लाई किया था तो मुझे टेक्नीशियन बी फिटर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा पहले से ही आ चुका है यहाँ पर क्योंकि मैंने सेव कर लिया था। अब मुझे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करना है, जो मैंने आगे फॉर्म में डाली थी वही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको आसानी से करके बता दे रहा हूँ किस प्रकार आपको जो आपका एप्लीकेशन प्रिंट करना। अब आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ जिस प्रकार कैप्चा दिया है, ये रहा और ये रहा, एक सेकेंड फ्रेंड मैं डाल के बता देता हूँ आपको, आसानी से बता रहा हूँ बहुत आसान शब्दों में। आपको नेट कैफ़े जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से घर से ही आपके एंड्रॉयड मोबाइल से आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड मैंने डाल लिया, मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देखेंगे ये जो है वो डाउनलोड होने लगा है, आपका जो एप्लीकेशन जो प्रिंट होना था ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ये पूरा फॉर्म आ चुका है, किस प्रकार आपको ये फॉर्म आपका पूरा खुल चुका है, जैसा कि आपको मेरी फोटो दिख ही रही होगी। ये है आपका पूरा प्रोसेस,
इसरो सैटेलाइट सेंटर का फॉर्म जो निकला है बेंगलोर से, उसका पूरी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन से लेके प्रिंट तक पूरी बता दी है। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट है, कोई भी आपके डाउट हैं, तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी ही जानकारी मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ हमारे आईटी कैंडिडेटों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।